You are watching SBR News 1. Today's news update, let's watch. Jo Haidarman, एक शहर बेंगलुरु के निद्रा नगर इलाके में कायम है। उसके सदर इब्राहिम साहब और उनकी जितनी भी कमेटी है उन सबको मैं मुबारकबादी भी देता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। तो इसलिए कि यहाँ के हालात इतने खराब हो चुके हैं, तकरीबन डीजे हंडी और केजे हंडी में फसाद होने के बाद यहाँ के लोग मजबूर, बेबस, लाचार हो गए। ऐसे मौके पर आप हमारी तरफ तवज्जो करना बहुत बड़ी बात है। जनाब इब्राहिम साहब, पूरा एक महीना गुजर चुका है, कईयों के घर में उनके जिम्मेदार नहीं है, उनके बड़े बच्चे जो कामों में थे, आईटीबीटी में काम कर रहे थे, दूसरे सेक्टर में काम कर रहे थे, तमाम बच्चे इस वक्त जेल में सड़ रहे हैं। घर के उनके जिम्मेदार मर्द वो भी हर रात घर में नहीं है, पूरा एक महीना गुजर चुका है। और इन लोगों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि करो मेहरबानी तो महले जमीन पर खुदा होगा, खुदा मेहरबान होगा शेर वली पर। अभी अभी हमारे मौलाना ने इसी शेर का एक उन्होंने तफसीर बताई थी, उसी का जिक्र किया हूँ मैं। मेरी माएँ, मेरी बहनों से मैं आपको पूरे तौर से तसल्ली देना चाहता हूँ, एक आजमाइश है। इस आजमाइश में ज्यादा से ज्यादा आप अल्लाह और उसके रसूल को याद करो, जिक्र अस्कार में बैठो। एक आजमाइश, एक आगे एक गंडम की घड़ी पार हो जाते हैं आपके बच्चे को लाने के वास्ते, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, हर पर इसके पीछे पड़ा हुआ दायर काम कर रहे हैं, पॉलिटिशियन सियासतदान काम कर रहे हैं, उलमा काम कर रहे हैं, और हमारे ऐसे दानिशवर हजरात भी आपके साथ हैं, आपके बच्चों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कानून सख्त कानून डाले हैं उसको हटाने के लिए मुख्तलिफ मीटिंगें हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर से भी इस तालुक से बातचीत की गई है, चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने भी वादा किया है कि आप पर जुल्म नहीं होगा, आपके बच्चों पर जुल्म नहीं होगा, और जिन इनोसेंटों मासूमों को वो उठाया गया है उनके साथ इंसाफ होगा, ये सरकार कर रही है। बस एक 8-10-15 दिन की बात है, बेल एप्लीकेशन 19 तारीख मुंह होने वाला है, उसके बाद हालात बदलेंगे। अल्लाह आपका साथ दे, अल्लाह आपका साथ है। ये क्या बोले, खुद मेरी एक 10 लाख की गाड़ी रोड पर जलाकर बात कर रहा है, मेरी अपनी गाड़ी, हाँ ऐसा बहुत सारा नुकसान हो गया है। अभी अभी मौलाना मुताहिर सिराज साहब बोल रहे थे, जोश से नहीं होश से काम करना है, बड़ों की जिम्मेदारी में रोकर काम करना है, नौजवान अपने अपने फैसले ले ले तो ये छोटा सा एरिया कितना बदनाम हुआ, एरिया में कितनी देर तकलीफ हुई, अच्छे आजोकार से परेशानी में आ गए, जितने भी फर्स्ट राउंड में बच्चे गए पूरे के पूरे वो ये गलाटिया मैच नहीं वैसे बच्चा उठा लेकर चले गए। हाँ उसके वास्ते अभी अपने बच्चा के भूख फिकर है, परेशानी है, हमें भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। परसों में तकरीबन 200 अजमिया का लेकर जाकर एप्लीकेशन कंप्लाइंस गवर्नमेंट